Redmi Note 7 Pro की ह्यूज सक्सेस के बाद अब Xiaomi अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Note 8 Pro की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि Redmi Note 7 Pro में आपको Sony के IMX586 का 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिला था, वैसे ही Redmi Note 8 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग के ISO सेल का सेंसर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर हमें देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों क्या कुछ खास होने वाले इस स्मार्टफोन के बारे में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड में एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको Redmi के K20 और K20 Pro में देखने को मिला है। वैसे ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का डिजाइन भी बहुत ही यूनिक होने वाला है। और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर आपको बैक साइड में ही ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा सैमसंग के ISO सेल GM1 का सेंसर होने वाला है, जो कि 64 मेगापिक्सल का ट्रू कैमरा है। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों उसके साथ ही यहां पर आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो कैमरा होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और कैमरा के मामले में दोस्तों ये Redmi की पहली ऐसे स्मार्टफोन होगी जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की। तो यहाँ पर आपको एक 6.39 इंच की सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही फास्ट और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। और दोस्तों Redmi Note सीरीज की पहली ऐसी स्मार्टफोन होगी जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सालों से Redmi 4000 mAh की बैटरी दिए जा रहा है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में बहुत ही बड़ी यही इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि यहाँ पर आपको एक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों साथ ही में बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के, जो कि किसी भी स्मार्टफोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और हो सकता है कि ये दुनिया की पहली सी स्मार्टफोन होगी जिसमें आपको स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपकी क्या राय स्मार्टफोन के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग होने वाली है वो होने वाली है 16999 के करीबन, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलने वाला है। सो अगर कंपेयर किया जाए इस स्मार्टफोन को प्रीवियस नोट सीरीज के साथ, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाला है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली स्मार्टफोन की रिलीज डेट की। तो दोस्तों अभी Redmi K20 और K20 Pro इंडिया में रिलीज किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों MI के A3 को भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। सो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग होने वाली है वो आपको नवंबर से दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Redmi हर साल अपने नोट सीरीज का 2 स्मार्टफोन लॉन्च करता है। सो दोस्तों इस स्मार्टफोन की भी लॉन्चिंग आपको इसी साल देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था बताने के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लिक कीजिए स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।